अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक होंगे। तो अल्लाह का फजल से आज बहुत ही प्यारा दिन है। ऐसा दिन है कि जिस दिन हर छोटा बड़ा मुस्कुराता है, उसके चेहरे पर एक स्माइल सी होती है और वो मुस्कुरा रहे होते हैं और नए कपड़े पहनकर बच्चे भाई घूम रहे होते हैं और हर बंदा गिले शिकवे दूर कर कर, मतलब कोई भी शख्स हो, यानी अगर किसी की उसके साथ लड़ाई हो गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हो, रिलेटिव तो हो या कुछ भी हो, लेकिन ये दिन वो दिन होता है कि जिस दिन सबको माफ़ कर कर हम लोग गले मिलते हैं, मुस्कुराते हैं और एक अपनाइत सी महसूस होती है। हर शख्स से मुस्कुराहट के गले मिल रहे होते हैं मुस्कुरा कर, और सबके साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड होता है। तो मुसलमानों को तो इस दिन का बहुत वेट होता है और आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत 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 ईद मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन बहुत कमाल का दिन है और बड़ा खुश नसीब वाला दिन होता है। अब ऐसा ही है कि कुछ लोग पिछले साल हमारे साथ थे और इस साल वो नहीं हैं, इस दुनिया से चले गए, तो इस ईद उल फितर में उनको भी याद रखा जाता है। लोग नमाज़ पढ़कर कब्रों पर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके लिए कुरान खानी करते हैं, दुआ करते हैं। हमारी भी कुछ ऐसी ही रूटीन थी कि हमने उठे हैं, उठकर पहले सबसे घर वालों से मिले, बहुत ही कमाल दिन रहा, तो उनसे मिलकर फिर उसके बाद हमने सबके घरों में मीठा बनता है, ईदगाह में जाने से पहले मीठा खाते हैं, तो इसी तरह हमारे घर फिरनी बनी, हमने फिरनी खाई, फिरनी खाकर फिर हम चले गए नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ कर अल्हम्दुलिल्लाह वही जो मैंने आपको बताया कि सबसे गले मिले, मुलाकात बहुत ही प्यारी मुलाकात होती है वो, तो सबसे मुलाकात हुई। उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर हम कब्रिस्तान चले गए जो मैंने आपको पहले बताया, और फिर वहाँ से कब्रिस्तान गए, दुआ की सबके लिए, उसके बाद खाना खाया। खाना खाकर एक दोस्त इतकाफ से उठा था, उससे मिलने आए और उसको लेकर मैंने कहा घर के पास सोसाइटी के पास एक पार्क है, यहाँ पर क्यों ना एक वीडियो क्रिएट की जाए या यहाँ पर थोड़ा विज़िट किया जाए। लेकिन यह है कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वापसी जाने का सोच रहे हैं।